हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोस किचन। आज हम बनाएंगे चटपटा इमली का पानी और दो तरह के मसाले पानी पूरी के लिए। तो आइए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम सूखी हुई इमली, 1 कप पुदीने के पत्ते, 4-5 हरी मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 4 आलू उबले हुए हैं उबाल करके छील के ले लिए हैं, 1 कप बूंदी काला नमक, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच। सबसे पहले हम पानी पूरी के लिए पानी बनाएंगे। उसके लिए इमली जो हमने 50 ग्राम ली थी, इसे हम 1/2 लीटर पानी में भिगो करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद में जब ये भीगने लगे तब हम ये जीरे को हल्का रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में या तवे में। उसके बाद में इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। जीरा को भून करके उसका पाउडर पीस करके तैयार कर लिया है और 1/2 लीटर पानी में जो इमली भिगोई हुई थी उसे अच्छे से मैश करके उसका पानी और पल्प अलग कर लिया है और उसका जो वेस्ट था वो हमने फेंक दिया है। एक ग्राइंडिंग जार में हम पुदीना हरी मिर्ची लेकर के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे हमने दरदरा पीसा हुआ है। अब इसमें 1/2 जीरा पाउडर, थोड़ा सा इमली का पानी, मैंने लगभग 3 चम्मच डाला है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सब स्वाद के अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को तीखा कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। अब इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा मसाला पेस्ट करके तैयार है। इसे इमली के पानी में हम ऐड कर देंगे। हमारा पानी पूरी के लिए पानी बनकर के तैयार है। 50 ग्राम इमली में मैंने 1/2 लीटर पानी बनाया है। अगर आप चाहें तो खट्टा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। नमक और मसाले भी आप स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब आइए चलिए आगे बनाते हैं इसके लिए मसाला। पहले हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद इसमें हम थोड़ा सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, ये मिला करके अच्छे से मैश कर लेंगे। ये आलू का मसाला बन करके तैयार है। अब हम दूसरा मसाला बनाते हैं। सबसे पहले बूंदी को बड़े बर्तन में ले लेंगे। जो हमने पानी पूरी के लिए पानी बनाया था वो इसमें हल्का सा मिक्स करेंगे, चटपटा पानी रहेगा ये। और इसमें हल्का सा काला नमक, हल्का सादा नमक, हल्की लाल मिर्च, और लास्ट में थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये हमारा दूसरा मसाला बन करके तैयार है। पानी पूरी के लिए तीखा चटपटा पानी बन करके तैयार है और दो तरह के मसाले। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले, ताकि आने वाली रेसिपीज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।